इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने खतरनाक विस्फोटक छक्का लगाया, जहां पर एक लड़की चोटिल होते हुए साफ साफ बच गई। पूरा आपका हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे कि किससे सूर्य कुमार और रिंकू सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसको देखने के बाद हर कोई कांप उठा। आप सभी को बता दूं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टी20 के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के दिग्गज कप्तान मुकाबला जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए थे और जो है खुशी का जश्न भी मना रहे थे और ये कह रहे थे कि तीसरा टी20 का मुकाबला हम भारतीयों से जीत लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर साउथ अफ्रीकी की सरजमी पर जाकर के उनको ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस दिन विस्फोटक बल्लेबाजी की और 150 मीटर का छक्का लगा करके सभी को जो है नानियाद दिला दी। आप सभी को बता दूं कि साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का मौका भारतीय टीम को दिया और अपने आप फिर से एक बार गेंदबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला है वो साउथ अफ्रीका का टीम का उन्हीं पर भारी पड़ गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी 10 ओवर में ही सिमट गए, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका की टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इन लोगों ने इतनी घातक विस्फोटक खुखार बल्लेबाजी की जिसको देखने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए किस तरीके से सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और साउथ अफ्रीका के बीच जो है घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी हुई, जिसको देखने के बाद हर कोई यही कह रहा था कि भारतीय टीम का यह मुकाबला है काफी ज्यादा जो है रोमांचक मुकाबला है। आप सभी को बता दूं रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी की, भारतीय टीम 10 ओवरों में ही सिमट गई थी, लेकिन रिंकू सिंह ने जो 51 गेंदों में 123 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें लगभग 6 छक्के और 14 चौके जड़ दिए। आप सभी को बता दूं कुछ एक छक्का ऐसा मारा जो 150 मीटर की दूरी तक छक्का था, वो छक्का जाकर के जो है अंदर बैठे हुए स्टाफ के भी जो है ग्राउंड के शीशे पर लगा, जिसको देखने के बाद हर कोई एक बार चौंक गया। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह ने काफी ज्यादा विस्फोटक और कुकार बल्लेबाजी की, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीकी के खिलाड़ियों की काफी ज्यादा कुकार विस्फोटक बल्लेबाजी, लेकिन रविंद्र जडेजा और हर्षदीप सिंह ने काफी कुकार विस्फोटक गेंदबाजी करके साउथ अफ्रीकी पवेलियन को रास्ता दिखा दिया। आप सभी को बता दें भारतीय साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो साउथ अफ्रीका के कप्तान टॉस जीतकर ने काफी बहुत ही ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टॉस जीत गए तो मुकाबला भी हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर जो है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को जो है भारतीय टीम को यानी कि बल्लेबाजी का मौका दिया, जहां पर भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर मैदान में आए, जो काफी देर तक फिलहाल चलते रहे, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 और श्रेयस अय्यर ने 45 रन बना पाए, जहां पर ये दोनों खिलाड़ी कैच आउट हो गए। उसके बाद जो है अंकित वर्मा और यशस्वी जायसवाल आए, जहां पर अंकित वर्मा ने 35 और यशस्वी जायसवाल ने 14 रन बनाए, जहां पर भारतीय टीम के 8 ओवर में 4 विकेट चले गए, उसके बाद 2 विकेट और चले गए, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन उसके बाद जो है रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसको देखने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम काफी ज्यादा डर गई और साउथ अफ्रीकी टीम पर काफी ज्यादा दबाव बन गया। साउथ अफ्रीका का अच्छा से अच्छा गेंदबाज रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव के आगे पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। इतनी खुखार विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीकी कप्तान कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो काफी ज्यादा जबर खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम का स्कोर 260 बन गया, जहां पर साउथ अफ्रीका को 261 रन बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन 261 नहीं बल्कि 190 में ही सारी की सारी टीम सिमट गई, जहां पर रोहित शर्मा ने और यानी कि सूर्य कुमार यादव ने और रिंकू सिंह ने काफी ज्यादा कैच पकड़े और रविंद्र जडेजा और हर्षदीप सिंह ने काफी विस्फोटक गेंदबाजी की, जहां पर साउथ अफ्रीकी की टीम पवेलियन का रास्ता दे गई और टी20 का तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। फिलहाल आप लोग सूर्य कुमार यादव और रिंकू में से किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।